हेलो एवरीबॉडी, सभी आईटी छात्रों का स्वागत है। तो फाइनली जो है सभी छात्रों का रिजल्ट जो है अपडेट हो चुका है। तो काफ़ी स्टूडेंट को तो बधाई जिनका एग्ज़ाम में जो है अभी पास आउट हो गए हैं, और उनकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट की बात की जाए तो वो अभी महीने भर में जो है आ जाएगी, तो वहाँ से आप जो है डाउनलोड कर पाओगे। अभी बात की जाए जिनका अभी रिज़ल्ट आया है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर मैं फेल हो गया, अब हमारे एग्ज़ाम कब होंगे। तो उसकी नोटिफिकेशन भी आई हुई है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पहले आप मैं जो बता रहा हूँ उस इन्फॉर्मेशन को एक बार देख लीजिए। ये एक स्टूडेंट का रिज़ल्ट है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे खुद भी आप स्क्रीनशॉट लेके इसका रिज़ल्ट देख सकते हो, कोई फेंक नहीं है। बात की जाए ये फेल दिखा रहा है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के अंदर। अब यहाँ पे नीचे जो आपको मार्क्स दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए, ये ट्रेड थ्योरी इसमें पास है, ये मिनिमम और ये मार्क्स जो सिक्योर किए हैं वो देख लीजिए एक बार। तो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में इसको जो है मिनिमम पास करने के लिए 17 मार्क्स की ज़रूरत थी, लेकिन इसको 10 आई। अगर आपको लगता है कि आपने जो है एग्ज़ाम सही किया था और इस रिज़ल्ट में अभी भी कोई प्रॉब्लम लग रही है, तो उसके लिए आपको जो है किसी भी विद्यार्थी का अगर कोई भी किसी में दिक्कत है सब्जेक्ट के अंदर, तो एक बार अपने आईटीआई से भी संपर्क कर लेना सभी विद्यार्थी, क्योंकि आईटीआई के रिगार्डिंग वो आपको ज़रूर कोई ना कोई हल निकालेंगे। अगर प्रॉब्लम है तो नीचे ये जो दिखाई दे रहा है आपको, अगर आप इस रिज़ल्ट से सहमत हो तो ये नीचे एक्सेप्ट का बटन है, इस पर क्लिक कर देना। अगर आपको लगता है कि आपका रिज़ल्ट सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है कोई त्रुटि है, कोई गलती है इस रिज़ल्ट के अंदर, तो ये जो इधर रे से ग्रेवेंस ये दिखाई दे रहा है, तो इस पर क्लिक करना होगा। लेकिन अपने आईटीआई के बात करने के बाद ही ऐसा करना, आप अपनी तरफ से मत करना, एक बार जाके बात कर लेना। और इस पे क्लिक करने के बाद जो है इस तरह से आएगा, मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ, इस तरह से आएगा। तो इसमें दिखाया गया है कि आई एग्री दैट इन केस रेज ग्रीवेंस द रिजल्ट डिक्लेयर्ड हेयर बी ए डाउनलोडिंग ऑफ मार्कशीट एन टी सी विल बी पुट ऑन होल्ड अप्रॉक्स 30 से 45 दिन का जो रेजोल्यूशन जो है वो लिया जाएगा, और आपकी मार्कशीट और एनटीसी जो है 30 से 45 दिन बाद ही जो है आ पाएगी। एक बार आपका रिज़ल्ट जो है रोक दिया जाएगा, इसके बाद आपका चेक होगा, उसके बाद ही जो है रिज़ल्ट फिर से अपडेट होगा आपका। अगर फिर भी आपको लगता है, एक बार मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि इस स्टूडेंट का मैं नहीं करना, वो अब उस पर डिपेंड करता है और अपनी आईटीआई से जाके बात करेगा, अगर करना है तो वो कर सकता है। लेकिन अगर बैक का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो वो भी नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा दूंगा जो आई हुई थी डीजीटी की, इसे कैंसिल कर देते हैं। तो इसमें जो आप किसी भी विद्यार्थी का हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वो भी ज्वाइन कर लेना। अब जो नोटिफिकेशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि काफ़ी विद्यार्थी पूछ रहे हैं सर फेल हो गया अब क्या होगा। तो उनके लिए एग्ज़ाम के लिए भी नोटिफिकेशन पहले ही बता दी थी इन्होंने, रिज़ल्ट से पहले बताई थी, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। चलिए वो दिखा देता हूँ एक बार। तो आप अपना रिज़ल्ट अभी देख सकते हो, साइट चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो है सभी विद्यार्थी चेक करने लग जाते हैं, तो उसके कारण सर्वर की प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए जो नोटिफिकेशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये सभी छात्रों के पास पहले भी नोटिफिकेशन देखी थी, लेकिन अभी आप जो है इसे गौर से देख लेना, क्योंकि इसी नोटिफिकेशन के बेस पे जो है आपका रिज़ल्ट इन्होंने जारी किया था। ये 18 मई को आई थी, लेकिन इसमें जो पॉइंट बताए गए हैं उसी लिहाज पे जो है रिज़ल्ट जारी किया गया था, क्योंकि जो रेफरेंस टू वेरियस ईमेल और ट्वीट्स जो किए गए थे उसके बेस पे बाद में रिज़ल्ट इन्होंने जो है डिक्लेयर किया था। अभी बात की जाए जो रिज़ल्ट की, तो ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट की बात की जाए, 18 से 20 जिनका था 2019-20 और 2019-21 हैज़ बीन कंडक्टेड, जिनका अप्रैल में एग्ज़ाम हुआ था उनका रिज़ल्ट जो है ऐसे बताया गया है। लेकिन मेन बात अभी भी वो बता रहा हूँ, जो फेल थे विद्यार्थी उनका क्या होगा, क्योंकि उस पर वीडियो है ये। तो ये इधर बताया गया है, द एग्ज़ाम वर कंडक्टेड फॉर द ट्रेनिंग फ्रॉम द स्टेट्स विच वर मैप्ड बाय द स्टेट डायरेक्टर्स जो हैं जिन्होंने पार्टिसिपेटेड इन द एग्जामिनेशन। द ट्रेनिंग जो विद्यार्थी जो है परीक्षा के अंदर नहीं बैठ पाए, तो उनका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम जो होगा सप्लीमेंट्री जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ ही होगा। और इसमें यहाँ पे टाइम भी बताया गया है, विद इन 2 मंथ फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ द रिज़ल्ट। तो अभी आप जून हैं, तो जून जुलाई और अगस्त के बाद जो है आपका एग्ज़ाम 2 महीने बाद जो है करवाया जाएगा,
जून और जुलाई, यानी कि अगस्त के अंदर आपका एग्ज़ाम जो है हो जाएगा। और सप्लीमेंट्री का भी बताया गया है, यानी कि बैक के फिर पेपर की बात की जाए, बैक एग्ज़ाम की भी बात की जाए तो अगस्त के अंदर ही करवाए जाएंगे लगभग। तो सभी विद्यार्थी इस जानकारी को शेयर कर देना, जो भी विद्यार्थी जिनके रिजल्ट में प्रॉब्लम हुई है, फेल दिखा रहा है, तो अपनी परीक्षा की तैयारी कर लेना, क्योंकि अभी एग्ज़ाम जो है करवाए जाएंगे 2 महीने बाद। और ये जो जिस भी आपको एक बार कोई भी डाउट लगता है आपको अपने रिजल्ट में, तो नीचे मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप मेरे पास वो रिज़ल्ट की पिक ज़रूर भेज देना, देखते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो शेयर करेंगे। और अभी अपने एग्ज़ाम जो बैक की बात की जाए, वो भी 2 महीने बाद होंगे, और जो अभी फेल दिखा रहे हैं उनके भी एग्ज़ाम जो है 2 महीने ही बाद ही करवाए जाएंगे। और इन्होंने मेरे रिज़ल्ट के लिए भी पहले बोला था विद इन ए फोर्टनाइट, यानी कि 10-15 दिन के अंदर, तो 10-15 दिन के अंदर आप 18 को देख सकते हो, और 10 दिन की बात की जाए तो 28, तो ये रिज़ल्ट जो है आपका आ गया था। तो ये नोटिफिकेशन सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये पहले आई हुई थी और उसी के बेस पे रिज़ल्ट भी इन्होंने टाइम पे जो है इसको निकालने के बाद कर दिया रिज़ल्ट भी। और कोई दिक्कत लगती है तो आप नीचे शेयर कर देना, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पहले ही मैंने दिया हुआ है, बाकी अभी साइट अच्छे से चल रही है। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा रिज़ल्ट कैसे देखना है, तो मैंने वीडियो बनाई हुई है, और यूट्यूब पे जाके आप वो देख लेना। और आपके मन में कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर देना। कोई भी विद्यार्थी, क्योंकि अभी रिज़ल्ट के चक्कर में परेशान हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, तो नीचे कमेंट करके पूछ लेना, आपका ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। लेकिन सही से पूछना, ये मत बोलना कि मेरा रिज़ल्ट निकाल दो, मैंने वीडियो डाली हुई है उसको आप देख के रिज़ल्ट जो है निकाल सकते हो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ये नोटिफिकेशन जो है आपके लिए ही आई हुई है। अभी एग्ज़ाम जो है 2 महीने के अंदर ही आपका करवाया जाएगा, ऐसा इन्होंने बोल रखा है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, ये देखिए, क्योंकि काफ़ी विद्यार्थी जो है एग्ज़ाम भी नहीं दे पाए थे कोरोना के चलते। तो ये कुछ लाइंस दी गई हैं, इनको पढ़ लेना अच्छे से, उस टाइम तक जो है आपका एग्ज़ाम करवा दिया जाएगा। बाकी चैनल से जुड़े रहें, कोई भी नई अपडेट आएगी रिज़ल्ट के रिगार्डिंग या कुछ और आता है तो आपको ज़रूर बता दिया जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है आपका एग्ज़ाम जो है सही हुआ था, मार्क्स में प्रॉब्लम है, तो वो अपने आईटीए से संपर्क कर लेना, वो जो मैंने बताया था उसको एक बार जाके चेक ज़रूर कर लेना। और बाकी अपडेट आएगा, कोई शेड्यूल आएगा बैक एग्ज़ाम का, तो वो भी आपके साथ शेयर ज़रूर कर दिया जाएगा। जो रह गए थे उनका भी 2 महीने बाद जो है एग्ज़ाम अभी होने वाला है, अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और अभी कोरोना के माहौल भी ठीक है, अब केसेस इतने नहीं आ रहे, तो लग रहा है जल्दी एग्ज़ाम जो है करवाई जाएंगे। तो वीडियो को शेयर करना सभी विद्यार्थी, बाकी चैनल से जुड़े रहें, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी ज्वाइन करें और इस वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद।